मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोटपुतली को नया जिला बनाने की घोषणा की। कोटपुतली को नया जिला बनाने की घोषणा इस क्षेत्र में होने से खुशी की लहर व्याप्त है। कोटपुतली के जिला बनने पर लोगों ने पटाखे छोड़े, आतिशबाजी की। इस दौरान लोगों ने मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। लोगों का कहना है कि कोटपुतली को जिला बनाने की मांग कई वर्षों से चलती आ रही है। आखिरकार सीएम ने जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए कोटपुतली को नया जिला बनाने की घोषणा की। कोटपुतली के जिला बनने से क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा। विभिन्न कार्यों के लिए लोगों को 100 किलोमीटर दूर जयपुर तक अब नहीं जाना पड़ेगा। वंदे भारत के लिए कोटपुतली से सर आपका परिचय दीजिए। सर आप कोटपुतली नगर परिषद के सभापति प्रतिनिधि हैं और आज जो जिला बना है आपने काफी अच्छे से इसको सेलिब्रेट किया है, तो किस तरीके से आपकी उम्मीदें खरी उतरी, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि मंत्री जी बहुत पहले से प्रयासरत थे, पूरी संभावना थी कोटपुतली जिला बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। तो क्या आप लोगों को पूर्ण तरीके से विश्वास था कि लोगों की 75 साल से जो उम्मीद थी जिले की आज वो पूरी हुई है? हाँ जी बिल्कुल सर, राज्य जनता बहुत खुश है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आप किसका आभार व्यक्त करना चाहेंगे इस बड़ी कामयाबी में? सबसे पहले तो मुख्यमंत्री गहलोत साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, और माननीय मंत्री जी राजेंद्र यादव जी उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका परिचय दीजिए। रतनलाल सिंह जी। सर वर्षों से कोटपुतली को जिला बनाने की मांग आ रही थी और आज वो मांग पूरी हुई है, तो इसके लिए क्या कहेंगे और किस तरीके से आप इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं? ये जनता की बहुत दिनों से मांग थी और जनता के लिए बढ़िया काम किया है, मंत्री जी का बहुत बहुत आभार। कितने वर्षों से मांग थी जिले की? 75 सालों से मांग थी जिले की, और 75 सालों की मांग अब पूरी हुई है, तो कोटपुतली जनता का बहुत बहुत सहयोग रहेगा। आप राजस्थान स्वीट्स के मालिक हैं और आज आपने बहुत पूरी तरह से मिठाइयां बांटकर और आतिशबाजी करके स्वागत किया है जिले का, तो कैसा फील कर रहे हैं? ये बहुत खुशी की बात है, इसमें खुशी में जनता का भी बहुत बड़ा सहयोग है। सर बात करें जिले की, लोगों की बीच बीच में हल्क में से जाने अटक रही थी कि जिला नहीं बनेगा, बनेगा, अभी भी कई तरह की बातें आ रही थी, आज अचानक से आपको सरप्राइज मिला, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए बहुत बहुत खुशी हुई है, बहुत ज्यादा खुशी है, सब जनता को बहुत खुशी है। तो आपको पूर्ण तरीके से विश्वास था? हाँ पूर्ण तरीके से विश्वास था, जरूर बनेगा जिला, पूर्ण विश्वास था। दो दिन पहले पब्लिक ये थी कि राम दुबई कमेटी ने 6 महीने कार्यकाल बढ़ा दिया, सबको निराशा हो गई थी। नहीं वो निराशा हो गई थी, लेकिन पूरी पूरी उम्मीद थी कि जरूर जिला जरूर बनेगा। सर आपका परिचय दीजिए। मैं किशन शरण बंसल हूँ, समाज सेवी के रूप में मुझे जानते हैं। सर वर्षों से जिले का जो इंतजार था वो आज खत्म हुआ, इस बारे में क्या कहेंगे? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोटपुतली जिले बनने की सारी योग्यताएं रखता था और आज जिला को कोटपुतली को जिला घोषित किया गया है, ये बहुत अच्छा रहा, हम इससे बहुत प्रसन्न हैं। लेकिन इसमें राज्य सरकार ने, मुख्यमंत्री महोदय ने कोटपुतली बहरोड बोल के जो जिला बनाया है, ये थोड़ा अटपटा लग रहा है। इसके क्या कारण हो सकता है जी? इसका क्या कारण हो सकता है? अब कारण तो हम नहीं कह सकते, ये तो एक मैं समझता हूँ किसी की राजनीतिक को ही अपनी जो मतलब आकांक्षाएं वो पूरा करने का एक हो सकता है। बात करें अंकल जी जिले की, तो काफी वर्षों से जिले की जो मांग चल रही थी कोटपुतली की, आज वो पूरी हुई है, तो उसको किस तरीके से आप देखेंगे पूरी? नहीं मैं समझता हूँ कोटपुतली